SN Live, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा बनेंगे दूल्हा और उनकी बेटी हीरा शहाब बनेंगी दुल्हन। आरजेडी के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब दूल्हा बनने वाले हैं। उसामा की शादी यानी निकाह तय हो गया है। 13 अक्टूबर को उनकी शादी होगी और लड़की भी सिवान जिले की रहने वाली है। शहाबुद्दीन के परिवार से जुड़े नजदीकी सूत्रों के मुताबिक उसामा की शादी 13 अक्टूबर को होने जा रही है। सिवान जिले के जीरादेई के चांदपाली की रहने वाली एक लड़की से उसामा निकाह करेंगे। उसामा की दुल्हन एक डॉक्टर है। 13 अक्टूबर को निकाह के बाद 16 अक्टूबर को वलीमा होगा। 16 अक्टूबर को ही शहाबुद्दीन की बेटी यानी उसामा की बहन हेरा शहाब का भी निकाह तय हुआ है। हेरा की शादी मोतिहारी में तय हुई है और बारात मोतिहारी से ही सिवान पहुंचेगी। उसामा की शादी जिस लड़की से हो रही है उसका नाम आयशा है। आयशा ने लखनऊ से ही डॉक्टरी की पढ़ाई की है। पारिवारिक के सूत्रों की माने तो दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही उसामा के लिए लड़की पसंद कर ली थी। उन्होंने आयशा को अपनी बहू चुना था। अब जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो उसामा अपने पिता के तय किए रिश्ते पर आगे बढ़ाते हुए आयशा से शादी करने जा रहे हैं। आयशा शहाबुद्दीन के करीबी रिश्तेदार आफताब आलम की बेटी है। आफताब आलम दुबई के एक बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। परिवार के लोग इस निकाह में शामिल होंगे, लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि आखिर अन्य मेहमानों में किन बड़े चेहरों को बुलाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं SN Live पर।